के बाद आपका कोई दोस्त आपको बोलना कि लास्ट ईयर मैं सीट में 90% डालाया था, ये है वो है, सीट तो बहुत ईजी आराम से निकालेंगे, ठीक है, तो मेरे पास भी रोज हर हफ्ते दोस्त उठाते हैं बोल के सर मेरे को डिस्काउंट चाहिए, कोई स्कॉलरशिप दो, मैं लास्ट ईयर सीट दिया था 90% डालाया। तो पहले तो मैं सुन के रहता हूँ, बोल बेटा तो आज बोल, तेरा दिन है आज तो बोल जितना बोलने। सो 90% इज वेरी गुड वे टू इम्प्रेस योर पेरेंट्स कि देखो मेरा 90 आया था मम्मी, 100,000 लोगों ने एग्जाम दिया था उसमें से मेरा 90% आया। बट आज के बाद तुम्हारा दोस्त ऐसे तुम्हारे ऊपर तड़ी मारा ना कि लास्ट ईयर 90 था, उसको पूछो स्कोर कितना था। सो 90% लास्ट ईयर वॉज 90 marks, ठीक है, ये तुम्हारी इज्जत है। अगर जे भी यहाँ है तो तुम्हारी 90 वाले की इज्जत यहाँ पे है। 90% जिसका आया तो वो लास्ट ईयर तुम्हें कॉलेज कौन सा मिला, नहीं सर वो मैंने फॉर्म नहीं भरा, ठीक है, तो बेटा भरता भी तो क्या उखाड़ लेता वो अलग बात है, ठीक है। तो 90% इज 90 marks, ठीक है, जिसपे आपको MS तो दूर की बात, नॉट गेटिंग इन द टॉप 10 MBA कॉलेजेस इन MS, बट यस PGDM के नाम पे कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा, MET IS चेतना PGDM का आई कैन गेट एट दी स्कूल्स फॉर PGDM एट द टॉप 10 बी स्कूल, 5 to 10 बी स्कूल, MET IS चेतना आराम से मिलेगा 90%। If I increase the percentile to 95%, 95% is 101 marks. CET में देखा जाता है without negative marking, 100 marks is a decent score. तो थोड़ा भी अगर अच्छा IQ level है और थोड़ा भी अगर पढ़ा अच्छे से तो आराम से you can touch 100 marks. तो 100 के ऊपर तुम्हारा competition चालू होता है 95% के ऊपर. 95% मतलब out of 1 lakh people who give the exam, 95 are gone. Only 5 are left. So 5,000 people का competition left for the top colleges. So these 5,000 people are fighting for the top 10 colleges. JBIMS, SIDMS, Maya Willinkar, MBTIS, Chetana Willinkar, Chetana, क्या बचा? पुंबा, ठीक है, और ऐसे ही डालमिया, ठीक है, ठीक करते करते 10 colleges. Fine. 5,000 में अभी आप आ गए हो top 5,000 में. And at 95% you can easily convert the PGDM program for SIS एंड डालमिया। तो अगर 95% है एंड इफ आर कमिंग टू मी फॉर योर GDPI, आई कैन प्रोमिस यू कि MET IS सिडनम सोमाया या विलिंकर का PGDM आराम से कन्वर्ट हो सकता है एट 95%। विलिंकर भी आल्सो यू कैन गेट, ठीक है, 95%। MS जो कुछ नहीं मिलेगा बट PGDM थोड़ा बड़ा कॉलेज तो आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। So if I go to the next level, 96% अपना बढ़ के अभी हो गया 105 number, ठीक है। So 105 के ऊपर जाके आपको MS में टॉप 10 मिल सकता है, MET IS चेतना जेवियर्स एंड में आके, ठीक है, मतलब कैप राउंड 4 में कैप राउंड 3 में जाके शायद मिल जाए। बट इफ़ यू वॉन्ट टू कन्फर्म दिस थिंग, आई पर्सनली बिलीव 97% इज अ गुड नंबर for that range. So score will increase to 90, 108, 108, 110. अगर 110 तक का वाला लेके आते हो then obviously you're going to top 10 colleges, ठीक है, तो अपना ये score पे आके मिलेगा। और थोड़ा improve किया, 97.5% is 110 number, ठीक है, अभी आके guaranteed हो गया MET IS चेतना का MS में चालू हो गया अपना, एंड विलिंकर का PGDM आराम से आई कैन कन्वर्ट द कोर प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम, फ्लैगशिप प्रोग्राम आई कैन इजली कन्वर्ट एट 98% 97.5, और इम्प्रूव किया 98% द स्कोर विल टच 113, ठीक है। 98% पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, 98 to 97.5 पे हमें MET IES चेतना का PGDM मिलेगा, सॉरी MS मिलेगा, उसका ऊपर कौन मिलेगा, ठीक है, और ऊपर जाना है 98.5, यहां जाके शायद डालमिया मिल जाए, वो भी एंड में आके। डालमिया ऐसा ही अगर कंफर्म चाहिए तो आई नीड टू स्कोर 99% विच इज 120 mark, ठीक है। सो 116 is 98.5 and 99% is now 120 marks. अभी आया 120, अभी जो चालू हुआ 99% पे, now you are getting SIS in Dalmia here. ठीक है,
तो 120 मार्क इज 99 परसेंटाइल इन लास्ट ईयर सीईटी पेपर. ठीक है, अभी अपना जेबी के लिए कॉम्पिटिशन चालू होते हैं, मतलब सिर्फ 1000 लोग कॉम्पिटिशन बाकी. सो डोंट यू थिंक सीईटी बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, 100,000 लोग एग्जाम दे रहा है, मेरा क्या आएगा, वो क्या आएगा? तुम 120 ला दो, तुम्हारा जेबी का तैयारी चालू होगा 120 के बाद. ठीक है, फर्स्ट टारगेट इज टू गेट 100 मार्क्स. ठीक, सो दिस इज योर फर्स्ट टारगेट, बीट द कॉम्पिटिशन, रिमूव ऑल द अननेसेसरी पीपल आउट, फाइन. दैट्स वेयर आई कैन प्रॉमिस, इफ यू आर डूइंग योर बेसिक राइट, इफ यू आर कंप्लीटिंग सीटिंग का येलो बुक्स और ब्लू बुक स्टार्ट किया, मॉक्स दिया थोड़ा बहुत, आई कैन प्रॉमिस यू 100 टच होगा, आराम से टच होगा. 100 मतलब 95 परसेंटाइल आ गया, तो 90 परसेंटाइल, देन 95 परसेंटाइल करते करते हम लोग इंप्रूव करें. आई एम आल्सो गिविंग द कट ऑफ, गिविंग द कंप्लीट ओवरव्यू अबाउट ऑल द कट ऑफ्स ऑफ वेरियस एग्जाम्स एज वेल. ठीक है, 99 आ गया, 99 से 99.4 परसेंटाइल इज वेयर विलिंकर एमएमएस इज, तो रैंक 4 कॉलेज विलिंकर इज एट 125 मार्क्स व्हिच इज 99.4 परसेंटाइल. ठीक है, सोमाया इज एट 99.6 विच इज 128 मार्क्स. सो 128 मार्क्स पे आके केजे सुमाया का एमएस मिल सकता है. ठीक है, 98 परसेंटाइल, 99.6 परसेंटाइल. विलिंकर सिडनम इज 99.72 परसेंटाइल लास्ट ईयर, 73 लेके चलो, बट या मोटा मोटा 72 पे भी आपको विलिंकर मिल जाएगा. 9.7372 इज 130 मार्क्स. फिर जेबी का कट ऑफ आया 99.93 पे, सो 140 मार्क्स वाज़ जेबीएमएस कट ऑफ लास्ट ईयर एट 99.93. तो सुमाया, विलिंकर, सुमाया, सिडनम एंड जेबी, और ऊपर जाना है अगर 99.99 वाज़ लास्ट ईयर 149 मार्क्स. 149 पे आके आपका 90.99 परसेंट आ रहा था टॉपर का. ठीक है, और रैंक वन चाहिए विच वॉज दिव्या बयानी, ठीक है, दिव्या बयानी स्टडीड फ्रॉम नांदेड़, शी हैव ओनली ज्वाइंट सीटिंग प्रोग्राम, दैट्स व्हाट शी सेड इन द वीडियो. तो ऑनलाइन ज्वाइन करके एंड नांदेड़ में रह के अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते. सो दो जो कमेंट सेम ही कि सर मैं तो नासिक में रहता हूँ, कहाँ से करूँगा, इधर तो ढंग का कोई कोचिंग वाला भी नहीं है, औरंगाबाद में रहता हूँ, तो भाई अगर वो नांदेड़ से कर सकती है, नासिक तो फिर भी इज़ लाइक लंदन व्हेन कंपेयर टू नांदेड़. ठीक है, तो दिस इज़ अ कंप्लीट चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू फॉर ऑल द एग्जाम्स, ऑल द कट ऑफ्स फॉर ऑल द कॉलेजेस थ्रू द सीट एग्जाम. सो दिस इज़ अ रिसर्च यू हैव डन, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने सामने चिपका दो. ठीक है, सो दैट यू शुड नो वेर यू स्टैंड. एक एक स्कोर पे एक एक परसेंट लेकर रट्टा मारना पड़ेगा. ठीक है, अगर ये कम्पीट करना है, कॉम्पिटिशन में रहना है, तो यू शुड नो ऑल दिस वैल्यूज कि क्या स्कोर पे क्या मिलेगा, सो दैट यू कैन गाइड योर फ्रेंड्स एज वेल अबाउट द कट ऑफ. सो मैं थोड़ा साइड पे होता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सको. ठीक है, सो दिस इज योर चार्ट, दिस इज योर कंप्लीट टाइमलाइन फॉर द सीट एग्जाम. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.